अबे भाई साहब तलाक कराना। क्या बीवी से छुटकारा? यू 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 55 शादी 65 तलाक। क्या कह रहे हो? अरे जिनकी जिनकी शादी कराई सबने तलाक ले ली। नहीं नहीं पर मुझे तो शादी करानी है ना। शादी? कांग्रेचुलेशन, दिस वे, आइए आइए। हाँ पता है। हाँ हमें पता है। क्या कि आपको पता है? क्या पता है? हमें क्या पता? अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम्हें पता है। लीजिए इन्होंने बोला। अरे तो तुम क्यों बोल रहे हो? सद्दी भाई मैं चलता हूँ, यहाँ बहुत टाइम लगेगा। अरे भाई कोई टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट में सारा का सारा काम हो जाएगा। तुम चले गए तो भाई कौन? फल स्वरूप समझाओ ना यार, राम स्वरूप को समझ जा बे। अरे भाई कोई टाइम नहीं लगेगा। टाइम लगेगा, लाइन से जाएंगे तो टाइम लगेगा। बस मैं चलता हूँ, दुकान छोड़ के आया हूँ। तुम चले जाएगा तो भाई कौन देखे? अरे बगैर गवाह के करा देंगे, ओनली 2000 रुपीज। तुम यहाँ से जा रहे हो या? नहीं मैं तो उनके दुकान के लिए बोल रहा था। नहीं तुम यहाँ से जा रहे हो या मैं कोई चीज उतारूं? जा रहा हूँ, टाइम लगेगा। करने से घबरा गया। भाई कोई टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट में सारा काम हो जाएगा। तुम जरा माधुरी को संभालो, मैं और फलस्वरूप अंदर जाते हैं, चल के देखते हैं फॉर्म वॉर्म कहाँ पे मिलता है। माधुरी तुम जरा राम स्वरूप के साथ टहलो। यही पूछना है, शादी का फॉर्म यहीं पे मिलता है। अरे भाई साहब हेलो, पांडे जी। अरे घंटे भर से फोन चिपका पड़ा हुआ है, बात करता नहीं। पांडे जी हेलो, कमाल है, मैंने तो फोन भी काट दिया फिर भी फोन पकड़ के बैठा हुआ है। ये फोन ऐसे पकड़ा हुआ है। क्या हुआ? बात क्या? ये आप फोन पकड़ के बैठे हुए? बात कर रहा था। बात कर रहे थे? मैंने तो फोन काट दिया था फिर भी आप बात कर रहे थे, इसका मतलब है कि आप सो रहे थे। आँख खोल के कोई सोता है क्या? हाँ आप सोते हो। आपको कैसे पता? मैंने देखा, देखा ना भाई साहब, बोलो। हाँ ड्यूटी पे सोता है। कंप्लेंट काहे की? काहे की कंप्लेंट? मैं काम कर रहा हूँ ना, बोलिए क्या काम है। बोलिए जी मुझे शादी करनी है। लेकिन मेरी हो चुकी है। मुझे शादी करनी है। देखिए मेरी एक बीवी है, दो छोटे छोटे बच्चे हैं। उससे क्या फर्क पड़ता है मुझे शादी करनी है? ना ना मैं इस टाइप का आदमी नहीं हूँ। उससे क्या फर्क पड़ता है मुझे शादी करनी है? अरे किसी और के पास जाओ, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? अरे उन लोगों ने तो मुझे आपके पास भेजा है। अरे मैं फॉर्म देता हूँ यार। मैं फॉर्म लेने के लिए तो आया हूँ यार। क्या? हाँ। तो मतलब आपको शादी नहीं करनी? नहीं शादी तो करनी है मैंने। किससे? तुमसे। क्या मतलब? वो माधुरी से करनी है यार। ओ ये लो फॉर्म, लाओ 10 रुपए। ये लो 10 रुपए, ये भर के उषा जी के पास जमा करा दो। फल स्वरूप हाँ एक सेकंड रुकना। पांडे जी ये उषा जी कहाँ मिलेंगी? जी जी मेरा नाम मुसद्दीलाल मिश्रा है। जी मेरा नाम उषा है, ये पटेल है, वो पांडे जी है, वो शुक्ला जी है, वो गंगा नारायण है। आप इन सब के नाम मुझे क्यों बता रही हैं? तो आपने आपका नाम मुझे क्यों बताया? मैं तो इंट्रोडक्शन दे रहा था। इन्होंने मांगा? नहीं मांगा तो नहीं था। तो फिर क्यों दे रहे थे? इंट्रोडक्शन क्यों, कुछ और दे दो। देने को तो मैं कुछ और भी दे सकता हूँ लेकिन पहले मेरी शादी तो हो जाए। ओ शादी करने आए हो? जी फॉर्म भरा है? जी हाँ फॉर्म भरा है। दिखाओ। नाम क्या है? मुसद्दीलाल। खड़े क्यों हैं? बैठिए ना बैठिए। चाकू लीजिए, लौकी लीजिए, काटिए फटाफट। जी देख क्या रहे हो, हाथ चलाओ ना। जी भाई साहब तुम इनके साथ हो क्या? हाँ बहन जी। तो देख क्या रहे हो, मदद करो ना इनकी। ये लो बैठो बैठो। हाँ तो मैं क्या पूछ रही थी, नाम, नाम क्या बताया? जी मुसद्दीलाल। मुसद्दीलाल। उम्र? जी 45 बरस। कुंवारे हो? जी हाँ। शादी किसे कर रहे हो? जी माधुरी से। लिखा माधुरी, लेकिन पूरा नाम तो नहीं लिखा है, पूरा नाम लिखना चाहिए ना। ये माधुरी दीक्षित। क्या तुम माधुरी दीक्षित से शादी कर रहे हो? हाँ जी। पर वो तो पहले से शादीशुदा है। आपको कैसे पता? हमें क्या बेवकूफ समझा है क्या? नहीं नहीं पर अब तो उसने अपने पति को छोड़ दिया है ना। हाँ? पर हमने तो सुना था कि उसे बच्चा हुआ था। बच्चे के बारे में मालूम है इसको? क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं, दरअसल बात यह है कि उसका पति जो है बहुत ही खराब किस्म का आदमी है, बहुत मारता वारता था, शराब वराब पीता है। क्या? पर हमने तो सुना था कि उसका पति डॉक्टर है। नहीं डॉक्टर नहीं है, वार्ड बॉय है, निक्कर पहन के घूमता रहता है, गुल्लू को उसकी बोतलें चुरा के बेचता है। माधुरी दीक्षित का पति? हाँ माधुरी दीक्षित का पति। आप किस माधुरी दीक्षित की बात कर रही हैं? तुम किस माधुरी दीक्षित की बात कर रहे हो? अरे वही जो कलेक्टरगंज में चप्पल की फैक्ट्री के पीछे रहती है। क्या तुम फिल्म स्टार माधुरी दीक्षित की बात नहीं कर रहे थे? नहीं। क्या तुम उस माधुरी दीक्षित के साथ शादी नहीं करना चाहते हो? देखिए करना तो चाहता था मगर अब 45 बरस की उम्र हो गई तो यही मिली है। पर
ये भी तो शादीशुदा है। हाँ मगर तलाक के पेपर्स तो डाल दिए हैं ना। पहले तलाक है उसके पहले शादी नहीं हो सकती। मैडम ऐसा मत कीजिए आप, प्लीज कुछ मेरे लिए तो कर दीजिए। नहीं नहीं ये कानूनन गलत है। मैडम देखिए नहीं ये गलत है। थोड़ा सा प्लीज मैडम ये गलत। मैडम ये वाला देखिए। गलत तो है आपके लिए मैं कर दूंगी। थैंक यू मैडम। हाँ तो गवाह कौन कौन है? एक तो ये फल स्वरूप है। तुम अपनी मर्जी से गवाही दे रहे हो? हाँ जी। अच्छा दूसरा कौन है? राम स्वरूप। मुसद्दी भाई बहुत टाइम हो गया मैं जा रहा हूँ। अरे चुप करो यार। तो देखो दुकान पर कोई नहीं है। फल स्वरूप समझाओ से। समझ जाए यार। अच्छा चलो जल्दी कर लो फिर। हाँ तुम गवाह हो? बोल दूं मुसद्दी? हाँ हाँ बोलो ना। जी मैं गवाह हूँ। और तुम जाओ अब जाके बाहर माधुरी के पास खड़े हो जाओ, माधुरी दीक्षित के पास। लेकिन थोड़ा जल्दी कर लो, दुकान पर कोई नहीं है। हो जाएगा ना, जल्दी जाओ तुम। हाँ जी हो गया मेरा काम? जी हो गया। अच्छा ये फाइल अब पांडे जी के पास जाएगी, फिर वो रजिस्टर करके नंबर देंगे और फिर मजिस्ट्रेट आपको बुलाएंगे। पंडित जी अजीब आदमी है, ना फोन बोलता ना सामने बोलता। पंडित जी क्या हुआ, फोन क्यों काटा? अरे आप फोन हाथ में पकड़ के फिर से सो रहे थे। मैं सो नहीं रहा था, फोन पे बात कर रहा था। हाँ बात कर रहे थे, बोल तो रहे नहीं थे। इधर फोन पे मेरी बीवी है, जब वो बोलती है तो मैं सिर्फ सुनता हूँ। ठीक है सॉरी। ये चाकू पीछे करो। हाँ तो आपके पास मेरी फाइल तो नहीं आई? क्या नाम है? जी मुसद्दीलाल मिश्रा वेड्स माधुरी दीक्षित। नहीं आई। उषा जी की टेबल से तो वो पटेल कब का लेके निकल गया? उसकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया होगा। पेट्रोल? हाँ पेट्रोल खत्म, डालो। कहाँ डालूँगा? मेरी जेब में। नहीं जेब में डालूंगा तो गिर जाएगा। नहीं गिरेगा, डालो ना। नहीं नहीं नहीं, मेरे को पक्का पता है जेब में डालूंगा तो वो गिर जाएगा। अरे मैं बोलता हूँ ना नहीं गिरेगा, डालो तो सही। तो ठीक है मंगवाता हूँ। क्या पेट्रोल? नहीं नहीं कैश दे दो, मैं मंगा लूंगा। अच्छा अच्छा बेटा, मतलब रिश्वत मांग रहे हो तुम? हाँ तो मैं क्या चंदा मांग रहा हूँ क्या? चलो चलो दे दो, और भी लोग है ना, फिर तो पटापट करो। ये बात ठीक नहीं है गुरु, वहाँ उषा जी ने भी ले लिया मुझसे। अब तुम क्या, हमारा पेट नहीं है क्या? मुझे भूख नहीं लगती, हमारा दिल नहीं करता क्या? नहीं यार मगर क्या, मगर देखो शादी का मामला है, खुशी से दो ना, रोते रोते मत दो। मुसद्दी भाई हाँ। दुकान पे कोई नहीं है, मैं जाऊं? अरे यार मेरा दिमाग खराब करके रख दिया तुमने। नहीं नहीं मतलब ऐसा करो, कद्दू आगे कर लेता हूँ, तुम बाहर जाकर बैठो, आराम से बैठो और माधुरी का ध्यान रखो, ठीक है? ओके अच्छा बस जाओ। अच्छा ये लो। ये क्या है जी? सब लोग इसे फाइल बोलते हैं यहाँ। तो उसका मैं क्या करूँ? पांडे जी को दे दो। क्या बोलना? उषा जी ने दी है जी। हाँ भाई बोलो, तुम्हारा क्या है? जी तलाक का चक्कर है जी। 50 रुपए। हाँ जी तो पांडे जी मेरा नंबर क्या है? 13 नंबर है। हाँ क्या है? 13 नंबर है। हाँ मेरा नंबर क्या है? 13 नंबर है तेरा। हाँ हाँ मेरा नंबर है मेरा, लेकिन नंबर है क्या? हाँ ना 13 नंबर है। अरे तो मेरा नंबर है लेकिन है क्या? आप आदमी है कि घनचक्कर? क्या तब से समझा जा रहा हूँ, 13 नंबर है, समझ में नहीं आता क्या? तो मैं भी तो यही तो आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरा नंबर क्या है। 13 नंबर है तेरा। अरे तो 13 नंबर है तेरा, फिर से तेरा, साफ साफ क्यों नहीं बता देता कि मेरा नंबर क्या है? तो साफ साफ सुन, 13 नंबर है तेरा, 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 तेरा। अरे इतनी देर से कर रहा है 13 13 13। अच्छा कहीं तुम्हारा मतलब ये तो नहीं है कि मेरा नंबर 13 है? और नहीं तो क्या। हाँ बहुत देर से मुझे ऐसे ही लग रहा था कुछ। तब से समझाया जा रहा हूँ मैं। अच्छा तो साफ साफ जबान में नहीं समझा सकते थे, कह देते 13 नंबर है हिंदी में, है ना? अच्छा ये बताओ ये नंबर किसके बाद आएगा? 12 के बाद। हाँ वो तो मुझे भी मालूम है 12 के बाद आएगा, लेकिन 2 या 3 के बाद नहीं आ सकता? अरे ऐसे कैसे आ सकता है, 13 हमेशा 12 के बाद ही आता है। अरे देखो पांडे जी बात यह है कि बड़ी मुश्किल से लौंडिया पटाई है मैंने शादी करने के लिए, अगर बाई चांस उसका दिमाग में फिर गया तो मतलब प्लीज कुछ सोचो। क्या सोचे? अब कुछ तो सोचो। ठीक है कुछ आप सोचो, कुछ हम सोचते। मैं समझा नहीं। कुछ आप हमारा ख्याल रखिए, कुछ हम आपका ख्याल रखेंगे। मैं बिल्कुल नहीं समझा। कुछ आप हमें समझिए, कुछ हम आपको समझेंगे। अरे क्या समझूं? अरे रिश्वत दी है कभी? हाँ हाँ अभी अभी देके आ रहा हूँ, तो वही मांग रहा हूँ। तो साफ साफ बोलो ना, घूस चाहिए? 2। ए, 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 लो ये क्या 50? और नहीं तो क्या, यही रेट है यहाँ का। 50 चपरासी का, क्लर्क का 100। अच्छा लाओ 100 ले लो। 3 नंबर आपका, जज साहब के केबिन के बाहर बैठो, पटेल आवाज देगा, अंदर चले जाना। जी मुसद्दी भाई मैं जा रहा हूँ जरा। आप कहते हो तो नहीं जाता हूँ, पर दुकान पे कोई नहीं है ना, पिताजी बहुत मारेंगे मुझे। अच्छा मैं ऐसे करता हूँ माधुरी जी दीक्षित जी के पास बैठता हूँ। इससे काम चल गया। आ जाओ बस आ जाओ। नमस्ते मजिस्ट्रेट साहब।
नमस्ते नमस्ते, जब खाने बैठो कोई ना कोई आ जाता है। शादी करानी है जी? ये आपकी बेटी है? जी मेरी बेटी है। नहीं मतलब मेरी बीवी है जी। बीवी की शादी करानी है? जी बीवी की शादी करानी है। बीवी की शादी करानी है? नहीं नहीं मतलब बीवी से शादी करनी है। बीवी से शादी करनी है? नहीं अब नहीं मतलब ये है कि शादी करके बीवी बनाना है। अरे शादी करके ही बीवी बनाते हैं भाई। लाओ दिखाओ। जी ये मुसद्दीलाल कौन है? जी मैं हूँ। माधुरी कौन है? जी ये है। और फल स्वरूप? जी ये है। राम स्वरूप? जी ये है। ये बड़ा थका हुआ लग रहा है जी, वो जरा बाहर उषा जी के साथ। जी हाँ जी। तभी सब रेडी है? जी हाँ सब पेपर रेडी है सर। फूल? जी लाए। सिंदूर? जी है। और मिठाई? मिठाई तो मैं लेके नहीं आया, वो तो शादी के बाद जरूरत पड़ेगी ना उसकी। नहीं नहीं लेकिन पहले मुंह तो मीठा कराना पड़ेगा ना। आप शादी करवा दीजिए, मैं मुंह मीठा करवा दूंगा। नहीं भैया पहले मुंह मीठा होगा तभी शादी होगी। ऐसे कैसे? ऐसे कैसे? मजिस्ट्रेट मैं हूँ कि तुम? मजिस्ट्रेट तो मैं हूँ। हैं? मतलब मैं नहीं, मजिस्ट्रेट तो तुम आप है। तो जाओ यहाँ से बाहर और सीधे जाके यू टर्न लो और फिर आगे जाके लेफ्ट पे गेंदामल हलवाई की दुकान है, उसको बोलना लड्डू देना मैजिस्ट्रेट स्पेशल। फलस्वरूप जल्दी से जाना, जल्दी से लेके आना। मैं नहीं जाऊंगा जी, मैं बहुत थक चुका हूँ। तुम थके हुए राम स्वरूप, तुम जाके ले आओ। हाँ ये ठीक है मैं जाता हूँ। नहीं नहीं तुम मत जाना भाई, तुम तो चले गए तो वापस ही नहीं आओगे, दुकान पे जाके बैठ जाओगे। तुम ऐसा करो, तुम जरा माधुरी का ध्यान रखो, मैं लेके आता हूँ। मैं यूं गया और यूं आया बस। सिद्धि भाई पिताजी बहुत मारेंगे, दुकान छोड़ के आया हूँ। 5 मिनट की बात है, जरा सा ध्यान रख लो उसके बाद। तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। हाँ जी। तुम एक काम करो, सामने वाली बेंच पे लेट जाओ। सो नाइस ऑफ यू जी। और तुम एक काम करो, वहाँ कोने में खड़े हो जाओ। आप कहाँ जा रही हैं? आई एम भाटिया। आई एम माधुरी। समोसे खाएंगी? लीजिए मैम। लीजिए मैं सेठ साहब मिठाई। अरे माधुरी कहाँ चली गई? फल स्वरूप सो रहा है यहाँ पे। फल स्वरूप उठो, ये माधुरी कहाँ चली गई भाई? वो राम स्वरूप कहाँ चला गया? अरे समोसे ज्यादा खा लिए थे, हजम करने गई है। पर गई कहाँ है? थोड़ा सुलभ शौचालय तक गए थे। वाह नमल वाह। अरे साइन कहाँ करना? हाँ साइन। ओह ओ आपका समय समाप्त होता है। आप क्या? जी हाँ आप कल हमारे बनेंगे रोल ओवर कंटेस्टेंट्स, आपकी शादी होगी कल। देखिए हमारी शादी तो अभी करा दीजिए ना प्लीज। अरे भाई 5 बजे के बाद कानून नहीं है काम करने का, आप एक मजिस्ट्रेट से कानून तोड़ने के लिए कह रहे हैं। आपकी शादी कल होगी कल। प्लीज प्लीज। अरे भैया कल 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 बोला ना, कल सबसे पहले आपकी शादी होगी। ठीक है ये मिठाई का ओहो कल दूसरा ले आना भाई। अच्छा ठीक चलो 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 चलो। पटेल पटेल बेटा ये सारे मिठाई के डब्बे गाड़ी में रखवा दो। चलो भाई चलो जल्दी करो, आज तो बहुत ज्यादा लेट हो गए हम। संदीप भाई आज जरा जल्दी करा देना, दुकान छोड़ के आया हूँ भाई मैं। बस हो गया समझो, तुम तो बस माधुरी को संभालो, जज को मैं संभालता हूँ। फलस्वरूप चला जा मेरे साथ। नहीं नहीं मुसद्दी भाई अंदर वो औरत बैठी है। अच्छा ठीक है तू बैठेगा तो क्या, खड़ा रहे यहाँ पे, मैं होके आता हूँ। मजिस्ट्रेट साहब आ गए? नहीं आए हैं। तो कब आएंगे? आज नहीं आएंगे वो। क्या? हाँ उनके साले की शादी है ना, अब तो परसों ही आएंगे वो। क्या कर क्या दूल्हे राजा, हुई शादी? अरे नहीं हुई भाई। करा दे। अरे कैसे कराओगे, मजिस्ट्रेट साहब तो है ही नहीं। हाँ साले के शादी में गए। हाँ तो चलो ना वही साले के साथ फेरे ले लेना, मजिस्ट्रेट साहब के साइन भी हो जाएगा। अच्छा हाँ निकालो 2000 रुपए निकालो। 2000 रुपए? अरे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, तो रगड़ो यही। ए सुनो सुनो, हुई हुई, ये तो सब्जी काटने के लिए कहेगी फिर से। मुसद्दीलाल, अरे भाई साहब मुसद्दी आवाज दी आपने, ये ना आया आपके पास। ए सुनो तो, चला गया, कितनी सारी सब्जी काटनी थी। चलो भाई चलो। क्या हुआ मुसद्दी भाई? भाई मजिस्ट्रेट साहब ही नहीं आए, तो फिर अब क्या करें? अब क्या परसों आना पड़े। माधुरी कहाँ है? वो तो राम स्वरूप उसे आइसक्रीम खिलाने ले गया है। अच्छा आइसक्रीम खिलाने ले गया, बड़ा अच्छा आदमी है वो। ऐसा करते हैं परसों आते हैं डायरेक्ट भाटिया के पास जाएंगे। बिल्कुल समझ नहीं आया? नहीं आ गया। तो फिर चलो ना। हो ना ना ना, ये शादी तो हो ही नहीं सकती। तो क्यों नहीं हो सकती, अब तो फूल भी है मिठाई भी है। हाँ पर अरे लड़की सही नहीं है। मुझे इस सही लड़की और क्या मिलेगी, मेरी आप शादी करा दो, मेरे लिए बिल्कुल सही है। लेकिन हमारे लिए सही नहीं है। आपके लिए आपको क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना है, लेकिन आप भी कुछ नहीं कर सकते, आप इससे शादी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता?
जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? अरे लड़की नाबालिग है पाजी। क्या? जी हाँ, लड़की की उम्र 14 साल है। 14 साल है? ये आपको 14 साल की दिखाई देती है? अरे 14 साल का तो इसका बेटा है जो दहेज में ये अपने साथ लेके आ रही है। इसकी उम्र तो 34 साल है। तो 14 साल लिखा क्यों है? जरा दिखाइए, एक सेकंड दिखाइए मुझे, जरा पेन भी दीजिए। 14, ओहो, ये मैंने अपना मकान नंबर वहां लिख दिया गलती से। 14 नंबर मेरे मकान का नंबर है। इनकी उम्र तो 34 साल है। मैं ठीक कर देता हूँ, एक सेकंड लगेगा। ये यहाँ 14 कर देता हूँ और यहाँ 34 कर देता हूँ। ये लीजिए, ये लीजिए। ये क्या कर दिया? ये मैंने 14 का 34 कर दिया सर, और 34 का 14 कर दिया। अब दूसरा फॉर्म लेके आओ। ये क्या कर दिया? अरे ये ओवरराइटिंग और ये काटा पीटी इनवैलिड है। मतलब दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा? जी हाँ, दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा, उसे रजिस्टर कराना पड़ेगा, नंबर लेना पड़ेगा, मेरे पास आना पड़ेगा, और अगर दोबारा काटा पीटी की तो फिर से फाड़ दूंगा। अब जाओ। मुसद्दी भाई, मैं जा रहा हूँ दुकान पर। कोई यार, बात को समझा करो, जाने दो। फलस्वरूप इसको समझाया। समझा यार, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा टाइम और लगेगा बस। माधुरी, तुम राम स्वरूप के ना साथ साथ रहना बिल्कुल। मैं जाके दूसरा फॉर्म लेके आता हूँ, चला जा। मेरा मन नहीं है, मैं यही ठीक हूँ। अच्छा ठीक है, तू यही जाना मत। नहीं जाऊंगा बिल्कुल। माधुरी घबराना मत, मैं भी आता हूँ। ये कहाँ फंसा के रख दिया फलस्वरूप? मैं भी तो फंस गया हूँ राम स्वरूप। क्या और फॉर्म नहीं है? ना, खत्म हो गए। अरे पांडे देखो ना, एक फॉर्म दे दो भाई। पहले जी लगाओ। जी खाली जी नहीं, पांडे जी बोलो। पांडे जी कहा? अब निकल लो। नहीं है फॉर्म। अरे देखो यार, कहीं तो जुगाड़ करो, कुछ तो जुगाड़ करो पांडे जी। कहाँ से जुगाड़ करें, है ही नहीं फॉर्म। अरे इधर देखकर पड़ा होगा। ये लो, आप ये देखो, 50% मैं फॉर्म का आपको पहले से देता हूँ। लो बोलो, पटेल से मिल लो। उसके पास होगा 100 रुपए। 100 रुपए पर फॉर्म तो 10 रुपए का है। आओ, जाके ले आओ। वहाँ पर तो नहीं है ना? यहाँ है। अच्छा, मतलब ब्लैकमेल कर रहे हो? तो हमने कब कहा नहीं कर रहे? मतलब तुम साफ साफ ये बात मानते हो कि तुम ब्लैकमेल कर रहे हो? शादी ठोक के बोल रहा हूँ, ब्लैकमेल कर रहा हूँ। बोलो, देता हूँ कि जाऊँ? आई अप्रिशिएट यार, कमाल है, ओपनली छाती ठोक के हैं। वेरी गुड, ये लो 100 रुपए। अब लाओ फॉर्म दे दो। फॉर्म तो उषा जी के पास है। यही तो, तुम्हें तो मेरे पास आना चाहिए था ना। एक्चुअली मैडम। क्या एक्चुअली? एक्चुअली उस दिन मैं बुलाती रही और तुम भाग गए ना। अच्छा, नहीं मैंने सुना नहीं होगा। कब से ना, काटो काटो, ठीक से काटो ना। वो क्या है, कल छुट्टी है, परसों संडे है, 2 दिन की कटवानी है ना। है जी। वो तुम्हारे साथ ही नहीं आया? जी वो तो, वो संदीप भाई, मैं जा रहा हूँ, दुकान पे कोई नहीं है। अरे भाई राम स्वरूप, रुक जाओ ना, अभी हो जाएगा काम। नहीं मैं जा रहा हूँ अभी। अरे भाई, एक 5 मिनट की बात है भाई। आप मेरी बात समझो, पिताजी मार मार के हड्डियां तोड़ देंगे मेरी, मैं जा रहा हूँ। अरे तो उसका, माधुरी का क्या होगा? उसको मैं छोड़ दूंगा। और फल स्वरूप? वो तो कब का गया। तो मैं क्या करूँ? सब्जी काटो। मैडम एक बात बताओगे, ये शादी करना इतना डिफिकल्ट क्यों होता? वेरी सिंपल, यू करा देंगे। यू यू कैसे करा देंगे? यू यू एक बार और करके दिखाइए। यू यू अच्छा हुआ राम स्वरूप भाई, आप ही ने लिया है। आप तो हमें घुमाते ही रहते। अरे भाई लाओ, 2000 रुपए लाओ। पहले से लेके आया था किनके? इनके है। अच्छा, हारमाला रेडी? रेडी। दूल्हा दुल्हन रेडी? रेडी। तो चलो साइन करें। चलो, कहाँ साइन करूँ? यहाँ साइन करो। अच्छा, मैं गवाही देता हूँ कि ये शादी। नहीं नहीं, ये तो गवाह के साइन करने की जगह है, वो तो गवाह को करने पड़ेंगे। अरे साइन करो बाबा। अरे लेकिन मैं गवाह नहीं हूँ, मैं तो दूल्हा हूँ। दूल्हा? तो फिर गवाह कौन है? गवाह ये राम स्वरूप और फल स्वरूप। अरे भाई, तो फॉर्म पे क्या भरा हुआ है कि राम स्वरूप की शादी माधुरी दीक्षित से? ये क्या क्या कह रहे हैं आप? अरे शुक्ला जी, ये कैसा फॉर्म भर दिया आपने भाई? अरे बोलिए ना भाभी जी। क्यों भाई माधुरी? हाँ हाँ, मतलब तुम मुझसे शादी नहीं कर रही हो? नहीं। मतलब तुम राम स्वरूप से शादी कर रही हो?